राहुल गांधी के बयान के ऊपर दिल्ली में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त 10 जनपद पे बीजेपी के 6 सेल का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश दिल्ली प्रदेश के बीजेपी सेल के कार्यकर्ताओं ने किया और नाराजगी जता रहे हैं। कोशिश ये थी कि 24 अकबर रोड और 10 जनपद जहाँ पे राहुल गांधी रहते हैं वहां जाके विरोध प्रदर्शन रजिस्टर किया जाए। आप लोग विरोध करने आए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जो राहुल गांधी जी ने बयानबाजी की है कि सिख पगड़ी के लिए भी खतरा है, उसको मैं बताना चाहता हूं, सिखों को पगड़ी का खतरा आजादी से पहले भी नहीं था, आजादी के बाद भी नहीं है। आजाद भारत में उसका उतना ही रुतबा है जितना हर समुदाय का है, हर समुदाय के साथ उनका मान सम्मान उतना ही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां भी गुरुद्वारे जाते हैं पगड़ी की लड़ाई जो है, उनकी लड़ाई जो है वो हर धर्म के लोगों को अपने धर्म प्रैक्टिस करने की आजादी बनी रहे, सिखों को पग पहनने का कड़ा पहनने की आजादी बनी रहे, इसके लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ नहीं रहे, हमें भड़का रहे हैं, हमें तो किसी ने रोका ही नहीं, ना पगड़ी पहनने से रोका, ना कड़ा पहनने से या कृपाण रखने से, हमें रोका ही नहीं। उनको ये विभाजन वाली राजनीति नहीं करना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए, ये उनके बयान निंदनीय है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपको सिख सेल के कई सारे जो मेंबर्स हैं, दिल्ली के सिख सेल के मेंबर्स, उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कई बार जो बैरिकेड्स हैं 10 जनपद पे उसको तोड़ने की कोशिश की गई और उन बैरिकेड्स को तोड़ के 10 जनपद जाने की कोशिश की गई। हाथों में आपको तख्तियां दिखाई देंगी और इन्हीं तख्तियों में ये लिखा हुआ है कि सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह के तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो बीजेपी के सिख सेल के लोग हैं वो आए थे। आप ये बताइए, हालांकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं ताकि इस देश में तमाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस कर पाए, उनकी लड़ाई इस चीज के लिए, तो इस बयानबाजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखो जी, राहुल गांधी जो है ना वो अंग्रेजों का वंशज है, उसकी माँ इटली से आई, उसके अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेजी खून दौड़ रहा है। जैसे 47 में हमारे सिख धर्म के लोगों ने आजादी में सबसे ज्यादा शहीदियां दी, सबसे ज्यादा फांसी पे झूले, तो हमने तो देशभक्त कौम है और वो जो है उसके जो नसों में खून दौड़ रहा है, अंग्रेजी खून दौड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो इसलिए कि हर धर्म के लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर पाए, जैसे कि सिख पगड़ी पहन पाए, कड़ा पहन पाए, उनकी आजादी पे कोई रोक टोक ना हो, इसके लिए कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, पगड़ी पहन के घूम रहा हूँ मैं सरेआम, कड़ा मैंने पहन रखा है सरेआम, कुछ ऐसी बात ही नहीं है। वो जाके क्यों देश को बदनाम कर रहे हैं? एक देश अच्छी राह पे चल रहा है, एक अच्छी जगह पे चल रहा है और ये जान मुझके हमारे सिखों के अंदर ये गलत भावना देना चाह रहे हैं। लग रहा है कि एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल जान मुझ। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ क्योंकि पुलिस ने जो क्राउड था उसको डिस्पर्स किया, तो अब 10 जनपद की जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बड़ी संख्या में आपको बीजेपी सिख सेल के ये प्रदर्शनकारी हैं जो अब वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और कई सारे काउंसलर्स, अलग अलग लीडर्स सिख विंग के यहाँ पे इकट्ठा है। एक तरफ मैं ये बीजेपी के काउंसलर हैं मारवा, उनसे समझते हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से दलील जरूर दी जाएगी कि वो तो आपके धार्मिक आजादी के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को झूठ क्यों बोलना पड़ा? राहुल गांधी क्यों एक आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं जो गोला और बारूद नहीं मार रहे लेकिन अपनी गंदी जुबान से हमारे देश का नाम नीचा कर रहे हैं, हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं? मेरी ये मांग है राहुल गांधी से, अगर तेरे को सिखों का इतना है तो जा सबसे पहले जो तेरे फादर ने, जो तेरी दादी ने हजारों सिखों का कत्लेआम किया है, अब सबसे पहले उनके बिहाफ पे माफी मांग, जा अपने घर के बाहर बैठ और सबको मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोल कि हाँ मेरे फादर ने, मेरी दादी ने हजारों सिख मरवाए, उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ, तब हम मांगेंगे कि तू सिखों का प्रेमी है। ये झूठ इंटरनेशनल स्टेटस में जाके झूठ बोलना और एक भ्रम बेचना दुनिया में कि इंडिया इनसिक्योर है, इस बात का भी है कि अमेरिका में जाके बात कही गई, अगर ये भारत में बात की होती तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, तब भी इतना ही बड़ा बवाल होता। देखिए, हमें दिक्कत इसके लिए है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, जब वो सिखों को वो 1% भी नहीं समझते, उसके बाद वो सिखों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल फुटेज मिले,
ये सरासर गलत है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, तो राहुल गांधी की माफी की मांग हो रही है गौरव, और अब क्योंकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को यहां से हटा रही है तो प्रदर्शनकारी आपको धीरे धीरे मौलाना आजाद रोड पे जाते हुए दिखाई देंगे और हाथों में तख्तियां हैं। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहां से हटने के लिए कहा है। ये हाई सिक्योरिटी एरिया भी है, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक यहां विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन होती नहीं है। और ठीक पीछे आप देखेंगे किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान एक एक करके जो भी प्रदर्शनकारी बचे हुए हैं उनको अब कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कीजिए। राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद अब जो सिख समाज है वो काफी रोष में है। इस वक्त हम दिल्ली के विज्ञान भवन पे मौजूद हैं जहां पर काफी सिख समाज के जो लोग हैं वो यहां पर इकट्ठे हो गए और राहुल गांधी के घर यानी कि 10 जनपद की तरफ कूच करने की तैयारी में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहां पर काफी जो सिख समाज के लोग हैं वो पहुंच गए हैं। उनके हाथों में बैनर है जिसमें लिखा हुआ है राहुल गांधी द्वारा सिखों को बदनाम करने के विरोध में ये प्रचंड धरना प्रदर्शन जो है वो निकाला जा रहा है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह वो भी इस वक्त इस मार्च में मौजूद है। आप लोग यहाँ पर आए सर किन मांगों? देखिए, राहुल गांधी विदेश की धरती का उपयोग करते हैं सिखों को बदनाम करने के लिए। मेरा मानना है कि वो कोई बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है जिसके अंतर्गत वह देश के अंदर वेमने से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने जब धारा 375 से हटाई गई थी तब भी इसी प्रकार का बयान दिया था कि कश्मीर में कत्लों की हो रही है, और इमरान खान ने वही बयान यूएन में जाकर बोला था। कल मैंने आपके चैनल में बोला था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ये खालिस्तानी इसका उपयोग करेंगे, और ये सच हो गया। आज खालिस्तानी ने वही भाषा बोली है, वो चाहते हैं कि देश के अंदर यहाँ पर अलगाववाद और पृथकवाद के बीज बोए जाएं। हम सारे के सारे से इसके विरोध करेंगे और राहुल गांधी से कहेंगे कि वह देश से माफी मांगे, सिखों से माफी मांगे, क्योंकि अगर किसी के टाइम में सिखों को पकड़ी की दिक्कत थी तो राजीव गांधी के टाइम में थी, जब राजीव गांधी एशियाड के हेड थे और जब सिख पंजाब से दिल्ली आता था तो उनको आने नहीं दिया जाता था, उनकी पगड़ियां उतारी जाती थी। और 1984 किसने कराया? दिल्ली के अंदर 3000 सिखों की पगड़ियां किसने उतारी? दिल्ली में 3000 सिखों को किसने मारा? वो राजीव गांधी था, राहुल गांधी के पिताजी थे। तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सारे काम के लिए माफी मांगे। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो फिर आगे का क्या प्लान होगा? सब मैं आपको बता दूं कि ये इस कांग्रेस सरकार के अंदर ही इटली के अंदर जब पगड़ी बैन हुई थी तो इनसे कुछ नहीं हुआ था क्योंकि सरकार भी इनकी थी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने वो बैन हटवाया था इटली के अंदर से। और आज ये बात करते हैं 1947 किसके उसमें हुआ देश का बंटवारा, विभाजन विभिषिका किसके उसमें हुआ? इन्हीं के उसमें हुआ। कैसे यहाँ पर जो सिख समाज है वो काफी रोष में है और दिल्ली के विज्ञान भवन से 10 जनपद की तरफ मार्च निकालने की तैयारी भी की जा रही है।